Recently, One Nation, One Election has been approved by the cabinet. तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं. जस्टिस पीपी जीवन रेड्डी ने पहली बार इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया. साइमल्टेनियस इलेक्शन के समर्थकों का ये मानना है कि राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करेगा. टू ब्रिंग वन फेस वन नेम एंड वन आइडियोलॉजी, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट टू बी लुक्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट. Recently, One Nation, One Election has been approved by the cabinet. But One Nation, One Election क्या है? And why is the government so determined to bring it? Let's find out with me. One Nation, One Election, जिसे simultaneous election के नाम से भी जाना जाता है, ये चुनाव की ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे लोकसभा और सभी विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ करवाए जाते हैं. Are you thinking that One Nation, One Election is a new concept in Indian democracy? Then you have to know कि इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट नया नहीं है, बल्कि इंडिया हैज फॉलोड दिस सिस्टम इन द पास्ट. भारत में 1952 से 1967 के चुनाव इसी प्रक्रिया पे आधारित थे, पर ये सिस्टम आगे जारी नहीं हो पाया क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक घोषणा की कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से 15 महीने पहले भंग किया जा रहा है. और इसी बीच कई स्टेट असेंबली में अनस्टेबल गवर्नमेंट होने के कारण मिड टर्म इलेक्शन करवाए गए और 1967 के बाद वन नेशन वन इलेक्शन फेल टू कंटिन्यू इन इंडिया. बट देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस सिस्टम कि बार बार इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने की बात की गई. मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूँ, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूँ कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, लॉ कमीशन 1999 के रिपोर्ट में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने पहली बार इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया. ऑल्सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 2015 ने भी इसे लाने की बात की थी. देयर आफ्टर लॉ कमीशन 2018, जिसे बीएस चौहान ने चेयर किया था, ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन. फाइनली 2 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी को क्रिएट किया, विच वॉज हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, टू डिस्कस द फीजिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. And recently, this committee has shared its report suggesting by 2029, one nation, one election should be brought in India. तो आइए जानते हैं वो कौन से benefits हैं that makes this system fit for the Indian democracy. Simultaneous election के समर्थकों का ये मानना है कि राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करेगा क्योंकि चुनाव के उत्सव में सभी मतदाता एक साथ भाग लेंगे. इसके साथ एक साथ चुनाव करवाए जाने से चुनावी खर्चों में कमी आएगी. For example, cost of logistics for EVMs and VVPAT can be cut down. इसके साथ ही security forces के deployment को भी कम किया जा सकता है. Moreover, पिछले 30 सालों में there has not been a single year जिसमें या तो लोकसभा या किसी state assembly के election ना हुए हों. Meaning thereby, election is every year's affair in India. हर साल election यानी हर साल model code of conduct का enforce होना. Where political parties are prevented to announce new policies, which leads to policy paralysis, that at the end prevents the nation's development. So these all are some of the benefits of conducting election in one time frame. But all is not good with this system. Cons of this system are that it violates the federal features by taking away the rights of states to manage their independent affairs. Furthermore, इसे implement करने के लिए संविधान के कई articles जैसे article 83 और 172 में बदलाव करने होंगे. कुछ experts का ये भी मानना है कि recurrent elections are good for the democracy, क्योंकि वोटर्स पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल रख सकते हैं. एडिशनली, इसे लाने के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस लाना भी काफी मुश्किल है. फॉर एग्जांपल, कांग्रेस ने इसके प्रपोजल को आउटराइटली रिजेक्ट करते हुए कहा कि ये सैफ्रन पार्टी का कंसेप्ट है, टू ब्रिंग वन फेस वन नेम एंड वन आइडियोलॉजी इन द कंट्री. इन पॉलिटिकल डिसेंस के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट टू बी लुक्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वुड हैपन इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्सेस इन द मिडल ऑफ इट्स टेन्योर. क्या सभी राज्यों में चुनाव दोबारा होंगे, या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा, या फिर किस एक्सटेंट तक संविधान में बदलाव किए जाएंगे टू ब्रिंग वन नेशन वन इलेक्शन. सो दिस वॉज अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन. लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट ब्रिंगिंग वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया. एंड फॉर मोर सच कंटेंट, सब्सक्राइब एलेट फॉर जुडिशरी. थैंक यू.